Hello learners, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the fourth worksheet, which is from your geography chapter second, physical features of India. So are you ready for learning? Okay, let's get started. Students, India is a vast country with varied landforms. आपको यहाँ different different landforms देखने को मिलेंगी. आपको India में माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेटोज, आइलैंड्स, ये सब कुछ देखने को मिलता है. और ये सब पॉसिबल किसकी वजह से होता है? डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स फॉर्म कैसे होती हैं? ये होती हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से. जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स की थ्योरी है, अब ये क्या बला है? ओके, इसको भी मैं डिस्कस करती हूँ. एक्चुअली जो प्लेट्स होती हैं, हमारी अर्थ के नीचे 7 प्लेट्स हैं जो मूव करती रहती हैं कंटिन्यूसली. और जब ये मूव करती हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्रीज फॉर्म करती हैं. तो उसमें हम 3 बाउंड्रीज मेनली इनकी फॉर्मेशन होती है. फर्स्ट होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री. इसके अंदर जब दो प्लेट्स एक दूसरे की डायरेक्शन में मूव करती हैं या एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तब उसे कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं. इनके बीच का जो लैंड मास होता है वो ऊपर उठना स्टार्ट होता है और आपको माउंटेन्स, प्लेटोज देखने को मिलते हैं. ठीक है, सेकंड जो बाउंड्री फॉर्म होती है वो होती है डाइवर्जेंस. जब दो प्लेट्स एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करती हैं, तब डाइवर्जन होता है दोनों प्लेट्स के बीच में और यहाँ का जो लैंड फॉर्म है वो नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से आपको वैलीज देखने को मिलती हैं. और थर्ड होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. इसके अंदर दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल मूव करती रहती हैं, ये एक दूसरे से टकराती नहीं हैं. तो अभी आपको पता चल गया कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है उसके अंदर जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं और मूव करते हुए कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए वो नई नई लैंड मास क्रिएट करती रहती हैं, फॉर्म करती रहती हैं. अब डिफरेंट एक सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए. जो गोंडवाना लैंड था, ये इतना बड़ा एरिया जो आप डिफरेंट डिफरेंट आज के टाइम पे जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ देख रहे हो ना, न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इंडिया, अरेबिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये कभी पास्ट में एक सिंगल लैंड मास होता था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड. और आज देखिए ये गोंडवाना लैंड इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के जरिए इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया है. तो वो टूट करके अलग अलग कंट्रीज़ की फॉर्मेशन बन गई है. तो आपको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्लियर हो गई होगी. ओके, अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की. इंडिया के फिजिकल फीचर्स में हम 6 कैटेगरीज को देखते हैं. हिमालयन माउंटेन्स, नदरन प्लेन्स, पेनिनसुलर, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड्स. इन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे, बट इन आर टुडेज वर्कशीट वी डिस्कस ओनली अबाउट द हिमालयाज. सो सबसे पहले दिस काइंड ऑफ मैप यू कैन सी इन योर बुक. ये वाला मैप आपकी बुक में दे रखा है, लेकिन मैंने आपको इन्हीं फिजिकल फीचर्स को दिखाने के लिए इस वाले मैप को साथ में पेस्ट किया है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो. ये जो रेंज आप देख पा रहे हैं ये हमारा हिमालयन रेंज है. ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये हमारा नदरन प्लेन है. जो ये वाली बाउंड्री है ये है इंडियन डेजर्ट. दिस इज डेक्कन प्लेटो. दिस इज ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, जिसे हम दोनों को मिलाकर के कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं. और आइलैंड्स इधर है अंडमान निकोबार और इधर है लक्षद्वीप. स्टूडेंट्स, जब भी हम मैप की बात करें, मैप में सबसे पहले आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो डायरेक्शन ही नहीं पता होती. तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर भी आज आपको पता चल जाएंगी. इधर हमारी ईस्ट होती है और ईस्ट के ऑपोजिट हमारी वेस्ट डायरेक्शन होती है. जम्मू कश्मीर जहाँ है वहाँ हमारी नॉर्थ है और नॉर्थ के ऑपोजिट हमेशा साउथ होती है. तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आपको सारी डायरेक्शंस इजीली क्लियर हो गई होंगी. मैप के अंदर फिजिकल फीचर्स को कैसे डिनोट करना है ये भी आपने सीख लिया है. अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालय की.
हिमालय जो है इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों के एक दूसरे की तरफ मूव करने से फॉर्म हुआ है। अब भी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं या एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं तो कौन सी बाउंड्री बनती है? कन्वर्जेंट बाउंड्री। यदि ये एक दूसरे से अपोजिट जाती तो डाइवर्जेंट बाउंड्री, और ये एक दूसरे के पैरेलल मूव करती तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ये जो हैं कन्वर्ज हुई हैं, और कन्वर्ज होने से इनके जो बीच का लैंडमास एरिया था वो ऊपर उठना स्टार्ट हो गया, जिससे हमारा हिमालय और टिबेटन प्लेटो का की का फॉर्मेशन हुई है। ओके, अब हमने हिमालय की फॉर्मेशन को जान लिया है, अब हम बात करेंगे इसके बारे में कम्प्लीटली। हेयर यू कैन सी इन अ रेड कलर देर इज़ अ हिमालय, दिस इज सॉरी ये वाला पोर्शन भी हिमालय है। अब ये क्या है? यंग फोल्डेड माउंटेन है। यंग फोल्डेड मीन्स मतलब जैसे जैसे ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं तो नई जो लैंड है वो दोबारा से इसके ऊपर एक परत के रूप में चढ़ती है, तो एक परत फिर उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, ऐसे परत दर परत इसका निर्माण हुआ है। तो ये यंग फोल्डेड माउंटेन है। टाइथिस सी बेड पे लाए करता है। आर्क शेप्ड है। आर्क शेप्ड मीन्स जैसे धनुष के आकार होता है ना, आपने देखा होगा अभी तो लॉकडाउन के तो टाइम पे रामायण महाभारत बहुत पॉपुलर हुई थी, तो आपने धनुष मेरे ख्याल से सभी आप फैमिलियर होंगे, जानते होंगे, तो एक आर्क फॉर्म में है। और उसके बाद इसका जो डिस्टेंस है, यदि हम ये है हमारी इंडस रिवर, इंडस रिवर से लेकर के इधर है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर, यदि हम इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच की जो लेंथ देखें तो ये है 2400 किलोमीटर। इसकी जो विड्थ है, आप विड्थ देख पा रहे होंगे, इस साइड इंडस रिवर के पास विड्थ ज़्यादा है और इस साइड ब्रह्मपुत्र रिवर के पास विड्थ कम है, बट हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो एवरेज विड्थ है 400 किलोमीटर। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्ट है इसका, हम दो तरीके से इसकी डिवीजन करते हैं। फर्स्ट है वेस्ट ईस्ट डिवीजन। जब हम अभी मैंने आपको डायरेक्शंस बताई थी, आई होप आपको याद होंगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तब हमें इसकी डिवीजन पढ़नी है। तब हम इसको फोर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इसको आप भूल जाइए। फर्स्ट है पंजाब हिमालय जो इंडस और सतलुज रिवर के बीच में है। सेकंड है कुमायूं हिमालय जो सतलुज और काली रिवर के बीच में है। फिर है नेपाल हिमालय जो कि काली और कोसी रिवर के बीच में है। और फिर है असम हिमालय जिसे तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में है। तो आपको नाम से जिस जिस स्टेट में इसका एरिया आ रहा है हमने उसी के नाम पे इसका नाम रखा है। पंजाब यहाँ पर है इसलिए इसको पंजाब हिमालय कहा है। यहाँ कुमायूं एक जगह है जहाँ इसकी वजह से इसको कुमायूं हिमालय कहा है। यहाँ हमारा नेपाल है जिसकी वजह से हमने इसको नेपाल हिमालय कहा, और इधर हमारा असम है जिसकी वजह से हमने इसको असम हिमालय कहा। तो आई डोंट थिंक आपको याद करने में थोड़ी परेशानी होगी, बिल्कुल भी नहीं। ओके, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसी मैप को मैंने रिवर्स के जरिए थोड़ा और अच्छे से समझाया है। यदि आपको पीछे वाला मैप में समझ ना आया हो तो यहाँ आप इसको जूम करके कौन सी रिवर कहाँ पर है और इसको कैसे डिवाइड किया है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के बारे में। अब हम बात करेंगे इसका नॉर्थ से जब हम साउथ की तरफ आते हैं। डायरेक्शंस की बात करें तो इधर ईस्ट थी, इधर वेस्ट थी, इधर नॉर्थ थी और इधर साउथ थी। अभी जो हमने डिवीजन पढ़ा वो हमने पढ़ा था वेस्ट टू ईस्ट जाते हुए, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब हम पढ़ेंगे जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं तब हम हिमालय को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तब हम हिमालय को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ग्रेट हिमालय,
सेकंड लेसर हिमालय और सिवालिक्स। अब इन्हीं तीनों कैटेगरीज को हमने अच्छे से पढ़ना है। जो ग्रेट हिमालय है, आप स्काई ब्लू कलर में ये वन जहाँ पर लिखा हुआ है, आप इस वाले पोर्शन को देख पा रहे होंगे, ये है हमारा ग्रेट हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। ये हमारा ग्रेट हिमालय है जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। यदि आपसे ग्रेट हिमालय और हिमाद्री पूछा जाए तो ये दोनों एक ही नाम है। अब आपको मैंने अभी बताया कि इधर हमारी डायरेक्शन है नॉर्थ, तो ये हिमालय का नदरन मोस्ट यानी कि नदरन वाला पार्ट है, ठीक है। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर तक है और यहाँ पर आपको माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसी हाईएस्ट पीक देखने को मिलेंगी। ये स्नो बाउंडेड एरिया है, हमेशा यहाँ पर स्नो गिरती रहती है और ऑब्वियसली जहाँ पर स्नो होगी वहाँ ग्लेशियर्स भी होंगे। ग्लेशियर्स जो हैं वो मूव करते रहते हैं, जिससे वो मेल्ट होकर के रिवर्स फॉर्म में आते हैं और बहुत सारी रिवर्स को हिमालय से वाटर मिलता है। तो अभी आपने हिमाद्री को जान लिया है, अभी हम बात करते हैं लेसर हिमालय की, लेकिन उससे पहले हम पीक्स देख लेते हैं। हेयर यू कैन सी, यहाँ पर भी इस मैप में भी बहुत अच्छे से दिखाया है, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय। यहाँ पर आप नंबरिंग देख रहे होंगे, वाइट कलर के नंबरिंग जो हैं वो इन रेंजेस को दिखा रहे हैं, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, यानी कि ये हमारा कराकोरम है, ये हमारा लद्दाख है और ये जास्कर है और ये कैलाश रेंज है। इधर से हम बात करें तो ये हमारा नागा पर्वत है, फिर हमारी केटू है इधर, फिर हमारी माउंट कैलाश है ये रही, फिर हमारे माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, और फिर हमारा कंचनजंगा है इसी के पास, और ये है नामचा बारवा असम में। तो जितनी भी हाईएस्ट पीक हैं आपने देखी कि इसी नदरन मोस्ट पॉइंट में है, यानी कि ग्रेट हिमालय के अंदर ही सारी जो हाईली पीक्स एरिया हैं वो यहीं पर लाइव कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने लेसर हिमालय के बारे में। लेसर हिमालय या हिमाचल, लेसर हिमालय या हिमाचल, ये दोनों भी एक ही नाम है। आप देख रहे होंगे ये जो लाइट से ब्लू कलर है, सेकंड पार्ट जो ये सेकंड लेयर है, ये है हमारा हिमाचल। इसकी एवरेज हाइट 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है। इसे लेसर हिमालय भी कहा जाता है। पीर पंजाल, धुआंधार जैसी माउंटेन रीजन्स आपको दिखने में को मिलेंगी और ये अपने हिल स्टेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यानी कि जब नदरन इंडिया में, यानी कि इस वाले पार्ट में, जब हमारे नदरन पार्ट में जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग हिल स्टेशन पर जाना पसंद करते हैं, और जो हमारा हिमाचल या लेसर हिमालय है इज़ फेमस फॉर देयर हिल स्टेशंस। यहाँ पर आपको फ्लोरा एंड फोना भी देखने को मिलेगी। नाउ इज द लास्ट इज शिवालिक। शिवालिक अभी आप देखिए, अभी हम फिर से अपनी डायरेक्शंस पे आते हैं। हियर इज नॉर्थ, हियर इज साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब ये जो ग्रेट हिमालय था ये नॉर्थ में था, तो ये नदरन मोस्ट पार्ट था। अब ये जो शिवालिक है ये हमारा सदरन में है, लाइट पर्पल कलर में आप देख पा रहे होंगे, तो ये हमारा सदरन मोस्ट पॉइंट है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। ओके, ये हमारी आउटर मोस्ट रेंज है। इसकी एवरेज हाइट 900 मीटर टू 1100 मीटर होती है। इसकी विड्थ जो है वो एवरेज हम बता देते हैं 10 मीटर टू 50 मीटर होती है, और बहुत सारे दून आपको देखने को मिलेंगे। अब ये दून क्या होते हैं, ये एक लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में मिलती है। लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है जो आपको लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में देखने को मिलेगी, जिसे हम दून कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स प्लस एनिमल्स, यानी कि हमें बहुत सारी फ्लोरा एंड फोना यहाँ पर देखने को मिलती है, और लोग स्पेशली समर सीजन में यहाँ पर जाना पसंद करते हैं। तो दूंस भी अपने हिल स्टेशंस के लिए
बहुत फेमस होते हैं. नाउ इट इज द टाइम टू क्वेश्चन आंसर्स. विच टाइप ऑफ माउंटेन्स आर हिमालयस. अभी हमने बात की फोल्डेड माउंटेन्स. ओके, इन विच पार्ट हिमालय देहरादून इज लोकेटेड, व्हाई इज इट फेमस. अब भी तो रिसेंटली बताया मैंने, देहरादून हिमालय के किस पार्ट में है, स्थित है और किस चीज़ के लिए फेमस है. अरेंज द डिविजन्स ऑफ हिमालय. आपको हिमालय को अरेंज करना है. ये जो डिविजन्स हैं, असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय और कुमायूं हिमालय. अब किस ऑर्डर में अरेंज करना है, आपको कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाना है. अब आपको पता होगा कि कश्मीर कहाँ पर है और अरुणाचल प्रदेश कहाँ है. ओके, ये हमारा कश्मीर है और इधर हमारा अरुणाचल प्रदेश है. यानी कि वही, जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो आप इनको किस ऑर्डर में, अभी आपने पढ़ा है किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो वो आपको ऑर्डर में अरेंज करना है. एंड फोर्थ क्वेश्चन इज विच डिवीजन ऑफ हिमालय कंटेन्स हाईएस्ट पीक. आपको हिमालय के कौन से पार्ट में, जो नदरन से सदरन यानी कि नॉर्थ से साउथ जाते हुए जो ऑर्डर हमने पढ़ा, उसमें से किस वाले डिवीजन में आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिलती हैं, उसका नाम बताना है. एंड फिफ्थ इज डू यू थिंक दिल्ली हैज़ एनी एडवांटेजेस ऑफ हिमालय. हिमालय का होना दिल्ली के लिए क्या लाभ है इसका, तो आपके आंसर को सपोर्ट करते हुए आपको सूटेबल रीजंस देने हैं, कारण देने हैं कि दिल्ली को हिमालय से क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है. एंड दिस इज योर वर्कशीट. हियर यू कैन सी इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक, एनी कॉन्सेप्ट वी डिस्कस इन दिस वीडियो. यू कैन आस्क मी, यू कमेंट मी. माई वीडियोज इज डेफिनेटली हेल्पिंग यू इन योर स्टडीज. इफ माई वीडियोज हेल्पफुल टू यू गाइज, देन एक बिग थम्स अप तो बनता है. एंड शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स. सब्सक्राइब माई चैनल. And don't forget to press the bell button so that you will get the notifications of my new video. Have a nice day. Keep studying. Stay safe. Stay healthy. Stay home. Have a good day.